का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वृद्धि एवं विकास प्राचीन काल से यही टॉपिक पहला टॉपिक है और ये रहेगा भी चाहे सिलेबस चेंज क्यों ना हो जाए चाइल्ड डेवलपमेंट फिफ्टीन मार्क्स पहला टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट बहुत ही तसल्ली पूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि इतनी बार इस बार के जो नए क्वेश्चन हैं उनको भी मैंने ऐड किया है चैप्टर के साथ ही चैप्टर बड़ा है एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा ऑफ कोर्स नॉट ये भी टॉपिक इसी के अंदर है ये अपने आप में एक, दो तीन क्लास लेता है कंप्लीट होने में तो आज जो सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग विकास का सम्प्रत्यय व अधिगम के साथ क्या संबंध है यानी इस बार भी जैसे क्वेश्चन आया था कि इमोशंस और लर्निंग साथ में जोड़ करके इमोशनल डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों को दे दिया था अभी मैं कराऊंगी डिस्कस तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हमें किस अप्रोच से पढ़ाई करें चार पांच नंबर के टॉप चार पांच नंबर का टॉपिक है ये डेवलपमेंट अपने आप में जिसमें से अगर हम देखें तो ये जो पहला ही कॉन्सेप्ट जो चैप्टर वन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट है चलिए स्टार्ट करते हैं यानी लेवल वन हो लेवल टू हो दोनों के लिए इक्वली महत्वपूर्ण रहेगा कोई भी सिलेबस में डिफरेंस नहीं है मैं लेवल ऑलरेडी वैसे ही लेकर के चलती हूं कि इवन मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन और आसान से आसान क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए इसमें कोई दौरा है नहीं है जो लर्नर्स पहले पढ़ चुके हैं उनको ये आइडिया है आपको भी दो चार दिन में लग जाएगा ये आइडिया ठीक है जी तो बाल विकास की हम बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं ठीक है ना ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है और चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास चाइल्ड डेवलपमेंट बालक का विकास या बालिका का विकास बाल विकास जिसको हम कह रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में हम जनरली ध्यान रखते हैं टीन एज तक यानी अडोलसेंस तक का हिसाब किताब रखते हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट में हम बुढ़ापे तक चीजें पढ़ते हैं यानी ओल्ड एज तक यही मुख्य डिफरेंस है बट आपको क्या पढ़ना है चाइल्ड डेवलपमेंट क्योंकि स्कूल में बच्चा अट्ठारह साल के बाद निकल जाता है स्कूल से और अट्ठारह साल के बाद वाली जितनी भी चीज़ें वो ज्यादा आपके काम की होती नहीं है पेपर के उद्देश्य से या दृष्टि से तो समझते हैं आप जब से आपका जन्म होता है इवन बिफोर दैट और जब तक आप बड़े हो रहे हैं स्कूल जा रहे हैं ये सारी कहानी कैसे बच्चा विकसित होता है दुनिया में आता है है ना कैसे चीजें होती हैं ये सब चीज़ों पे बात करेंगे और कैसे इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस इसपे भी चर्चा रही करना पड़ेगा क्योंकि पूछा जाता है और इस बार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार डायरेक्टली क्वेश्चन एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मतलब जो पहले वाला टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट से अगेन क्वेश्चन है चार से पांच क्वेश्चन तो ये शुरुआत वाली क्लास भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मान लो इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया तो अगली बार वहां से आने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है ठीक है चलिए खैर समझते हैं वॉट इज डेवलपमेंट अभी बहुत समय है रेगुलर बेसिस पे अगर आप पढ़ाई करेंगे मस्त मजे से तैयारी आपकी हो जाएगी आज हम समझेंगे डेवलपमेंट क्या है ग्रोथ क्या है मेच्योरिटी क्या है लर्निंग क्या है इन सब का आपस में संबंध क्या है ये रिश्ता क्या, क्या कहलाता है है ना विकास वृद्धि परिपक्वता अधिगम यानी डेवलपमेंट ग्रोथ मेचोरिटी लर्निंग आपस में कैसे संबंधित है और ये है क्या ठीक है क्लियर बात है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट विकास के प्रकार एक से दो क्वेश्चन जरूर आते हैं इस पर यह हम आगे चल करके समझेंगे लेकिन इसमें भी इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा प्रकार का रिलेशनशिप क्या है लर्निंग डेवलपमेंट का प्लास्टिसिटी क्या है कॉन्टिन्यूटी वर्सिस डिसकॉन्टिन्यूटी पर इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है वो भी करेंगे